हेलो एवरीबॉडी, आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ गाजियाबाद न्यू बस अड्डा यानी कि शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन, जो कि पड़ता है मेरठ रोड पे। तो आज आप लोगों को वही देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो अभी हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हापुड़ मोड़ से और चलेंगे आगे शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन रेड लाइन के लिए। दोस्तों गाजियाबाद का ये पहला रेड लाइन का मेट्रो स्टेशन है दोस्तों। और दोस्तों सेकंड मेट्रो स्टेशन है वो है आपका हिंडन रिवर अर्थला मोहन नगर। ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा और ये दिलसाद गार्डन में जाके एंड हो जाएगा। तो दिलसाद गार्डन का लास्ट मेट्रो स्टेशन है दोस्तों, वो दिल्ली में आ जाता है रेड लाइन का दोस्तों। तो बहुत लंबी चौड़ी लाइन है ये, तो मैंने क्यों ना आप सभी को दिखाया जाए और बताया जाए दोस्तों। तो आज आप सभी को देखने के लिए मिलेगा क्योंकि मेरठ रोड पे दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर जो निकल लिया उसका स्टेशन बनाया जा रहा है, जो कि बहुत बड़ा स्टेशन होने वाला है दोस्तों। और भविष्य में वहाँ से दो लाइनें निकाली जाएंगी, एक तो जाएगी हापुड़ के लिए और दूसरी चली जाएगी आपका खुर्जा के लिए दोस्तों। तो इसी वजह से इसमें बहुत बड़ा स्टेशन बनाया गया है गाजियाबाद RRTS स्टेशन दोस्तों। तो अभी तेज़ी के साथ में उस पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, वो आप सभी को आगे देखने के लिए मिलेगा। और ये है रेड लाइन का शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन, वो लिखा हुआ भी है दोस्तों, जो कि ये चला जाता है कश्मीरी गेट के लिए। कश्मीरी गेट 30,000 और इधर सीधा निकलेगा जाकर ये आपका बहादुरगढ़ की साइड में दोस्तों। तो काफ़ी लंबी चौड़ी लाइन है ये रेड लाइन दोस्तों। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाए और बताया जाए। तो देख सकते हैं मेरे राइट हैंड पे ये RRTS के स्टेशन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, जो कि कंस्ट्रक्शन अभी बहुत तेज़ी के साथ में चल रहा है और जो साइडों के डिजाइन बनाने का काम चल रहा है। देख सकते हो रूफ टॉप का काम हो चुका है ऊपर, और इसमें स्क्रीन डोर्स लगाए जा रहे हैं। अभी प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स लगाए जा रहे हैं और इस पर तेज़ी के साथ में इस पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है दोस्तों। और देख सकते हो ये फूड कोर्ट बनाया जा रहा है इस साइड में, जो कि 4-5 मंजिल का ये भी होने वाला है। तो इसे आपको बता दूं कि ये रेड लाइन को भी क्रॉस कर रही है RRTS और एक फ्लाईओवर को क्रॉस कर रही है। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो। और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए KP संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो KP संत के चैनल पर दोस्तों। KP संत लाता रहता है और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है। तो देख सकते हो ये रेड लाइन जा रही है सीधी सीधी और आगे आने वाला है हिंडन रिवर का मेट्रो स्टेशन रेड लाइन दोस्तों। और उसी के बगल में है गाजियाबाद का शमशान घाट, जो हिंडन रिवर के बगल में ही बना हुआ है, काफ़ी लंबा चौड़ा ये दोस्तों शमशान घाट है। और वहाँ पर अब तीन ब्रिज बना दिए गए हैं, एक तो जो पुराना था वो ख़राब हो गया था, उसको दोबारा बनाया गया है नया, और वसुंधरा वैशाली जाने के लिए ब्रिज बनाया है और उसी को ये क्रॉस कर रहा है दोस्तों हिंडन एलिवेटेड। तो वो भी 10 किलोमीटर का ये रूट है दोस्तों, जो कि हमारे UP गेट से स्टार्ट होता है और ये राजनगर एक्सटेंशन में जाके एंड हो जाता है दोस्तों। तो इसके बन जाने से ट्रैफिक बहुत कम हो चुका है, पहले गाजियाबाद से दिल्ली जाने में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में फंसना पड़ता था हम पब्लिक को, बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। और इधर तुम्हारा ये NH24 भी नहीं बना था, तो अब तो NH24 भी बना दिया है, जो कि 18 लेन का है दोस्तों। और इधर ये एलिवेटेड रोड बना दी है, तो अब जाके थोड़ा सा राहत मिली है पब्लिक को। तो देख सकते हैं ये ब्रिज नया बनाया था हिंडन रिवर के ऊपर दोस्तों, जो कि क्रॉस कर रही है हिंडन रिवर को और ये जा रहा है वसुंधरा वैशाली के लिए। तो ये देखते हो सामने चमक रहा है ये हिंडन एलिवेटेड रोड दोस्तों, और बगल से ही हिंडन गुजर रही है, तो आप लोगों को आगे देखने के लिए मिलेगा। तो देख सकते हो आप लोग तस्वीरें।
दोस्तों सामने ये आ चुका है, देख सकते हो दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर का गाज़ियाबाद में जो स्टेशन बनाया जा रहा है। दोस्तों तस्वीर आप लोग देख सकते हो, कंस्ट्रक्शन वर्क अभी तेज़ी के साथ में चल रहा है और ये रेड लाइन गुजर रही है और बगल में ये फ्लाईओवर है। दोस्तों तो आपको बता दो, राइट हैंड पर है ये सिद्धार्थ विहार का फ्लाईओवर बोला जाता है दोस्तों, मेरठ रोड पर जो बनाया गया है, और यहाँ से हम ये मेरठ रोड के लिए हो जाएंगे लेफ्ट में। तस्वीरें देख सकते हो, ये कोने पर ही RRTS का स्टेशन बनाया गया जो काफ़ी ऊंचा है। इसमें फोर्थ फ्लोर के बाद में फिफ्थ फ्लोर पर दोस्तों ये स्टेशन आता है। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, अभी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और यहाँ पे ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाने का काम चल रहा है। ये पिलर तो बना दिए इन्होंने और पिलर कैप बनाने का काम चल रहा है अभी इस टाइम पर। तस्वीरें देख सकते हो, जो स्टेशन है वो कितना लंबा चौड़ा है देख सकते हो आप लोग, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर। दोस्तों
Oh,
हाँ तो दोस्तों कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो? अच्छा लगा हमें लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। और जो अगला वीडियो आने वाला है वो आप लोगों को मिलेगा गोल्डर और दोहाई स्टेशन के बीच का दोस्तों, क्या क्या उस पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है इस टाइम पे बहुत तेज़ी के साथ में, क्योंकि मार्च में इसको ऑपरेशनल कर दिया जाएगा, आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा दोस्तों। अभी ट्रायल रन चल रहा है तेज़ी के साथ में मेरे प्यारे दोस्तों। तो मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ आप सभी लोगों के बीच में, आप लोगों को इंटरटेन करता रहता हूँ, आप लोगों को बताता और दिखाता रहता हूँ कि कहाँ कहाँ कितना कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट हो चुका है, कहाँ कहाँ चल रहा है, अभी कितना टाइम लगेगा, वो सब कुछ आप लोगों को केपी संत के चैनल पर देखने के लिए मिलेगा दोस्तों पर डे। तो ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करो केपी संत के चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करो दोस्तों, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाय, मिलते किसी नई वीडियो के साथ में, आप सभी से धन्यवाद आप सभी का।